सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। यहाँ पर हमारे पास एक जो बाइक है यामाहा की, अभी इसके दो तीन और मॉडल्स की वीडियोस आने वाली हैं चैनल पे, तो स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। फिलहाल हमारे पास है यामाहा FZX और ये इसकी बैजिंग है, ये आप देख सकते हो, और ये मैट ब्लैक कलर आपको देखने को मिल रहा है शोरूम के अंदर। ये यामाहा की है। इसकी प्राइसिंग क्या रहने वाली है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, तो आज की वीडियो के अंदर यही डिस्कस करेंगे। तो अगर आप यामाहा FZX लेने की सोच रहे हो तो यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी कि इस बाइक की क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या ही आपको ये बजट पड़ेगा, सब कुछ। तो बने रहो वीडियो के साथ। स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइट से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये बिल्कुल राउंड हेडलाइट है, एक रेट्रो लुक देने के लिए, जिसके अंदर आपको सेंटर में प्रोजेक्टर मिल जाएगा सेम एज MT15। ये यहाँ पर आप देख सकते हो, और यामाहा R1M के अंदर भी सेम ही है। तो प्रोजेक्टर आपको सेम देखने को मिलेगा और ये आपको DRL मिलेगी। ये देखो आप जो है, ये अभी मैं आपको ऑन करके भी दिखा दूंगा। और ये इसके टर्न सिग्नल्स हैं, ये आपको मिलेंगे नॉर्मल हैलोजन बल्ब के अंदर, जिन्हें आप LED में कन्वर्ट कर सकते हो बहुत इजीली। ये आपको मडगार्ड मिलेगा और ये मेटल है, ये प्रॉपर मेटल है, और ABS की बैजिंग है। तो यहाँ पर आपको फ्रंट में ABS भी देखने को मिल जाएगा डिस्क ब्रेक के साथ। और ये आपको एक ऑफ रोड काइंड ऑफ व्हीकल है, तो आप इसे ऑफ रोडिंग भी कर सकते हो, टूरिंग भी कर सकते हो इससे। तो प्रॉपर एक मतलब मल्टीपर्पज व्हीकल जिसे कह सकते हैं, तो इसकी जो डिजाइनिंग लैंग्वेज है उस हिसाब से है। यहाँ पर ये इसके शॉक ऑब्जॉर्वर के प्रोटेक्टर लगे हुए हैं, जिससे डस्ट और इसे आपके जो शॉकर है उन्हें लीक होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। आफ्टर दैट यहाँ पर ये इसका मेन है टैंक, जो काफी बड़ा लगता है लिटरली। ये देखो काफी बड़ा टैंक लगता है। और यहाँ पर आप देखो एक चीज, तो नॉर्मली जैसे आप इसे देखोगे तो आपको लगेगा कि इसमें यहाँ पर आप इसकी की लगाओगे, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको प्रॉपर 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है, यहाँ पर आपको कोई USB नहीं मिलेगा, आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिलेगा, जहाँ पर आप अपना कोई भी अडेप्टर 12 वोल्ट का लगा सकते हो, जिससे आप चार्जिंग भी कर सकते हो, कोई और इक्विपमेंट यूज करना है, टायर प्रेशर जो पंप आता है उसे आप यूज कर सकते हो, वो भी है। अब बात करते हैं इसके हैंडल पे जो मेन आपको फंक्शंस क्या क्या मिलते हैं। तो ये है लाइटिंग का, यहाँ पर ये लाइट आपको देखने मिलेगी, एक यहाँ पर पार्किंग है और दूसरी मेन हेडलाइट है। उसके बाद ये है आपके लो बीम हाई बीम के लिए, और ये आपको मिल जाता है पास, ये आपको टर्न सिग्नल के लिए, और ये हॉर्न के लिए। तो क्वालिटी आपको यहाँ पर डिसेंट इनऑफ मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है क्वालिटी वाइज तो। और यहाँ पर आपको राइट साइड में ये आपको इंजन किल स्विच मिलेगा, और उसके बाद ये स्टार्ट बटन है, ये आपको ब्रेक लीवर है प्रॉपर, इसमें कोई इशू नहीं है। ये यहाँ पर मैं आपको प्रॉपर बताऊँ तो ये जो है ये पार्ट मेटल है, उसके बाद ये भी मेटल है, और उसके ये जो है ये प्लास्टिक है, हाँ ये प्लास्टिक है। ये आपका फ्यूल कैप मिल जाता है, उसके बाद ये आपकी की होल, ये है एग्जैक्टली, एक्चुअल में ये की होल नहीं है। अभी मैं आपको इसका जो डिजिटल मीटर है इसे भी ऑन करके दिखा दूंगा। ये है इसकी सीट, जो आपको थोड़ी रिजेम्बलेंस लगेगी, दो तीन मॉडल्स और आते हैं TVS की जो रॉनिन आई है उसके भी सेम ऑलमोस्ट ऐसी ही सीट आपको मिलती है, और होंडा हाइनेस जो है सेम टू सेम वैसी ही आपको सीट मिलेगी। और बात करें अगर ABS की, तो फ्रंट में मैंने आपको ABS दिखाया था, रियर के अंदर आपको ABS नहीं मिलता, लेकिन रियर में आपको डिस्क ब्रेक जरूर देखने को मिलेगी। तो आपको इसके अंदर सिंगल चैनल ABS देखने को मिलेगा, जो मेरे हिसाब से ठीक है इस प्राइस सेगमेंट में, जो आपको ये 130 समथिंग जो प्राइस आपको देखने को मिल रहा है। ये है बैक रेस्ट, जो एक क्लासी और रेट्रो लुक देता है इस बाइक को, ये काफ़ी अच्छी बात है। ये आपको रियर में टायर अगर है। अब बात करते हैं टायर सेक्शन की, इसके अंदर हमें कौन कौन से टायर जो है देखने को मिलते हैं, क्या साइज है। तो अगर फ्रंट में बात करें तो फ्रंट में यहाँ पर हमें देखने को मिलता है 180/70, तो 100 सेक्शन का आपको फ्रंट में टायर देखने को मिलेगा। और अगर रियर की बात करें तो यहाँ पर आई थिंक 130 होना चाहिए, अभी एक बार देख लेते हैं। तो रेयर के अंदर आपको मिलेगा लो प्रोफाइल 140/60/R70, तो ये लो प्रोफाइल टायर है, लेकिन भाई अच्छा खासा वाइड है, जो कोई बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पर ये रियर, ये टेल लैंप है LED जहाँ तक लगता है, उसके बाद ये आपको टर्न सिग्नल मिलते हैं। अब मैं आपको एक बार इसका जो ऑन करके दिखाता हूँ डिजिटल कंसोल, उसके बाद लाइटिंग भी आपको दिखा दूंगा, तो फिर आपको एक आइडिया मिल जाएगा। ये देखो, फिर आपको सीट हाइट भी दिखाऊंगा इसकी। तो यहाँ पर अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका कॉन्सोल कि किस तरीके से लगता है। पहले सबसे पहले तो आप इसकी की देख लो, ये इसकी की रहने वाली है यामा की। ये देखो, इसे हम यहाँ पर लगाते हैं, तो यहाँ पर ये इस तरीके से ऑन होता है, और ये कुछ इस तरीके से इसका लुक लगता है।
ये आप देख सकते हो, यहाँ पर आपके ट्रिप आ जाती है, ऑडोमीटर, ये स्पीड आ गई और ये फ्यूल गेज है। उसके बाद ये यहाँ पर इसका आरपीएम का सारा पॉइंट आता है। तो यहाँ पर अगर बात करें ऊपर की लाइट्स की, तो यहाँ पर सबसे पहले तो है एबीएस की लाइट, इसमें सिंगल चैनल एबीएस हमें देखने को मिलता है। ये है न्यूट्रल लाइट, उसके बाद ये हाई बीम की है, ये देखो यहाँ पर ब्लिंक होती है। उसके बाद ये टर्न सिग्नल की है और ये है चेक इंजन लाइट। यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिख रहा हो तो ये मैं ऑन करके आपको दिखाता हूँ, तो ये एक बार ब्लिंक होगी। और उसके बाद यहाँ पर ये है आरपीएम का, ये देखो। अब बात है ये सिलेक्ट बटन का, तो इसे मैं प्रेस करता हूँ तो देखो ये ऑडोमीटर आ जाता है, जो आपकी करेक्ट रेंज है पूरी ये यहाँ शो करेगा। उसके बाद ट्रिप वन यहाँ पर आपको आएगी और ट्रिप टू यहाँ पर आएगी। उसके बाद ट्रिप एफ है, तो यहाँ पर तीन ट्रिप आपको देखने को मिलेगी। ये क्लॉक आ जाती है, उसके बाद यहाँ पर ये ऑडो है। तो ये कुछ इस तरीके का इसका डिजिटल कंसोल है। और यहाँ पर ये इसका अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो एक्स शोरूम ये 130 समथिंग की है, 134, और ऑन रोड आपको ये 159 समथिंग की पड़ेगी अगर आप इसे अम्बाला के शोरूम से लेते हो। डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिए, आप जरूर एक बार चेकआउट कर लेना। अब मेन बात आती है हाइट की। तो आप बात करते हैं इसकी हाइट की, तो मेरी जो हाइट है वो 5.6 समथिंग है, तो 5.5 फीट है। और हैंडलिंग के मामले में बहुत बढ़िया होने वाली है बाइक। और अगर मैं हाइट की बात करूँ तो 5.5 फीट वालों के लिए मोर देन सफिशियंट है, आप इजीली इसे हैंडलिंग कर सकते हैं, मैनेवर कर सकते हो और इतना भी मूव करने में कोई ज़्यादा हैवी भी फील नहीं होती है, ये काफ़ी अच्छी बात है। और एक बार मैं आपको इसका एग्जॉस्ट मोड भी सुना देता हूँ, ये देखो ये प्रॉपर, ठीक है। हाइट का आपको एक आइडिया लग गया होगा कि अगर आपकी हाइट 5 फीट 6-7 इंच के आसपास है तो आपके लिए सफिशियंट है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए हाई बाइक की फील नहीं होगी। बात करते हैं इसके इंजन की, तो ये 15 समथिंग का इंजन है, 55 cc का, और ये एयर कूल्ड इंजन है, ये कोई ऑयल कूल्ड या फिर लिक्विड कूल्ड इंजन इसके अंदर में देखने को नहीं मिलता। सिर्फ यही डिफरेंस है इसमें और जो एफजेड है इसमें और उसके बाद एमटी जो है उसके अंदर, डिफरेंस आपको सिर्फ इतना ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको साइड स्टैंड इंजन किल स्विच भी देखने को मिल जाएगा, जो सेफ्टी के मामले में काफ़ी बढ़िया चीज़ है। ये यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली, तो ये कुछ इस तरीके का इसका सिस्टम रहने वाला है, ये देखो। अब इसका एक बार एग्जॉस्ट नोट भी मैं आपको सुना देता हूँ, फिर मैं आपको इसका एक कलर भी दिखा दूंगा। तो ये यहाँ पर मैं इसे स्टार्ट कर देता हूँ, तो कुछ इस तरीके का इसका एग्जॉस्ट नोट है। और एक बार ऑन करिए लाइट, और ये आपको देखो ये टेल लैंप मिलती है, एलईडी है पूरी। और जब हम ब्रेक प्रेस करते हैं तो ये देखो ये कुछ इस तरीके से ग्लो करती है, इंडिकेटर चले जाओ। और ये इसके टर्न सिग्नल है लेफ्ट, और ये इसका ये राइट है, ये देखो। ये नॉर्मल आपको बल्ब वाले मिलते हैं, आप इसमें एलईडी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, बहुत इजीली लग जाते हैं। तो ये इसका है FZX, और इसका आपको एक कलर और मिलता है, वो है ये आपको मिल जाता है, जहां तक मेरे को लगता है ये ब्रॉन्ज कलर कह सकते हैं इसे, जो एक थोड़ा और क्लासी और रेट्रो लुक देता है, तो आप इसकी तरफ भी कंसीडर कर सकते हो, देखो। बाकी सब कुछ सेम है, और ये रहने वाली है यामाहा FZX, जो आपको 1.5 लाख समथिंग में आराम से मिल जाएगी सब कुछ मिला के।